कैमरा नीचे लाना पड़ेगी तो लोग उनका सर नीचे लाना पड़ेगा ऊपर ले जाना पड़ता है ले जाना पड़ेगा ना तो फिर ये दो डाल लेता हूँ और अरे धीरे 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 तो है ना ना हाँ सही है सही 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 गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम महेंद्र सिंह चौहान, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर पोर्टल श्री कर्णी अकेडमी एंड एजुटेक। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपसे बायोलॉजी के बारे में बात की थी और क्लास 11 के सिलेबस की बात कर रहे थे हम। क्लास 11 के सिलेबस के बायोलॉजी में हमने बात की थी सेल के लिए, तो सेल के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था और आपको बारे में बताया था। बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, आप पढ़ाई को बर्डन ना समझे, बड़ा इंटरेस्टिंग मान के चले इसको, तो बड़ा अच्छा सिलेबस रहेगा और आपको लॉन्ग लाइफ याद रहेगा, ठीक है। बढ़ना सबसे खानी हमें तो क्यूरिकुलम में बट पढ़ना है इस चीज के लिए, तब तक के लिए काम चला रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस के लिए जो हमने बात की थी। पिछली क्लास हमने थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि पिछली क्लास हमने क्या बात की थी। हमने बात की थी सेल के लिए कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अलावा हमने बात की थी सेल के बारे में, सेल के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में और सेल थ्योरी के बारे में हम ज्यादा बात करने वाले हैं कि सेल थ्योरी क्या है, इसी के बारे में बात करें हम। ये जनरल जो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, अब हम बात करने वाले हैं सेल थ्योरी, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बात की थी कि सेल क्या है उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको सारी दूंगा सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी दी गई थी दो साइंटिस्टों के बीच में मिलकर, एक थे स्लाइडेन, दूसरे थे स्वान, और स्लाइडेन का पूरा नाम था मार्टिन स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। इन दो साइंटिस्टों ने मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज किया था और सेल थ्योरी के बारे में जो चीज बताई थी वो कुछ इस प्रकार थे कि सेल क्या है, सेल फंक्शन यूनिट है और सेल ही स्ट्रक्चर यूनिट है, उसके अलावा सेल ही क्या है, हेरिडिटरी यूनिट है। ये तीन चीजें सेल के बारे में बताई थी सेल थ्योरी में, जो कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा प्रपोज की गई थी। लेकिन इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट था, एक कमेंट ऐड किया गया था जो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा अमेंड किया गया था। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ओमनिस सेलुला इज सेलुला, जिसका मतलब होता है विच मीन्स न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग वन। जो भी नया सेल अराइज होगा वो पुरानी सेल से ही अराइज होगा। हाँ निकी पुरोहित जी गुड इवनिंग। हमने जो टॉपिक कल छोड़ा था ना लास्ट क्लास में, उसी के आगे हम बात कर रहे हैं आज। सेल के बारे में बात की थी, अब सेल की बात कर रहे हैं। तो ओमनी सेलुला ही सेलुला का मतलब होता है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। ये देखिए
ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स विच मीन्स ओमनिस सेलुला इन सेलुला. उसके अलावा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल. अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर दे आर प्लांट, वेदर दे आर एनिमल्स या और भी जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो सब किसके बने हैं? वो सब के सब किसके बने हैं? सेल के बने हैं. सेल और ऐसे बहुत सारे सेल जब आपस में एग्रीगेट होते हैं, तो क्या बनता है? टिश्यू. जब ये टिश्यू आपस में एग्रीगेट होते हैं इस तरह से, तो बनता है ऑर्गन. और ये ऑर्गन जब एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन हो जाए तो वो बना देते हैं ऑर्गेनिज्म. तो हमारे कहने का मतलब सेल, सेल से क्या बना? टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन और फाइनली बना ऑर्गेनिज्म. जो हमारा ए पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. जी 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 रंजीत जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? प्लीज अगेन बताइए. आपने लिखा है प्लीज अगेन, क्या पूछना चाह रहे हैं? अब और बात करें हम, अब ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, ठीक है, उनकी बॉडी जो बनी होती है वो सेल की बनी होती है. वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर. अब यूनिसेलुलर कैसे? यूनिसेलुलर में बात करें अपन, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, और ऐसे और भी जो भी ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक ही सेल का बना होता है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एंड ऑल द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल. इनको सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है. उसके अलावा बात करें अपन, यहां पे जो स्ट्रक्चर तो बना ही रहा है एक ही सेल, उसके अलावा जो बॉडी के सारे फंक्शन है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली यूग्लिना भी है, यूनिसेलुलर है. इसको यूग्लिना, जो आपने लिखा है रंजीत जी, यूग्लिना को प्लांट और एनिमल सेल के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है. अब जब बताइए जल्दी से, इसको क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट बात करें इसी में कि स्ट्रक्चर तो बनता ही है सेल के द्वारा, और बॉडी के सारे फंक्शन जो हैं वह भी इस सेल के द्वारा ही होते हैं. जो सिंगल सेल है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे इंजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, जो भी एक्टिविटी होगी वो सारी की सारी सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म होगी. दूसरी तरफ हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वहां पे बात करेंगे. तो मल्टीसेलुलर में क्या होता है? मल्टीसेलुलर में यहां पे इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, मींस मोर देन टू सेल्स, तो उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. तो जैसे ह्यूमन बींग, प्लांट्स और भी बहुत सारे, जैसे डॉग, कैट, हॉर्स, ये सारे क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो इनका बॉडी क्या है? एक से ज्यादा सेल का बना है, इसलिए मल्टीसेलुलर कहते हैं. उसके अलावा इनके जो फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंशिएट कर रखे हैं. वो हमने जैसे ब्रेन का काम अलग है, ब्रेन का काम हार्ट नहीं करता, हार्ट का काम ब्रेन नहीं करता है, लीवर का काम किडनी नहीं करती है. और बात करें ऐसे बहुत सारे ऑर्गन है हमारे बॉडी में जिनका फंक्शन क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है, एक दूसरे का काम नहीं कर रखा, ठीक है. तो इसको डिविजन ऑफ फंक्शंस कहा जाता है. तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शन यूनिसेलुलर नहीं होते, अमीबा में भी ये सारे फंक्शन होते हैं. वो सारे काम कौन करता है? वो एक सेल. तो मल्टीसेलुलर होकर क्या कर दिया हमने? फंक्शन का डिवाइड कर दिया, ठीक है. हाँ निखिल, थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे है इसलिए आपने विश किया, आपको थैंक यू.
अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट लाइन में हम अब कुछ जो चीजें हैं सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। सेल थ्योरी के एक्सेप्शन मतलब कि जो सेल थ्योरी में फिट नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले स्लाइड में बात की थी, स्लाइड एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी उसमें तीन चीज बताई थी कि स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, हेरिडिटरी यूनिट है। और रुडोल्फ फिशर ने उसमें एक और बात ऐड की थी कि सेल इज जो भी नई सेल बनेगी, न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग। जो भी नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है? पुरानी सेल से, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ आए मैं बता दे रहा हूँ कि ये कोई पुरानी सेल है, यही जाके आगे चल के डिवाइड होकर के नई सेल बना रही है। तो रुडोल्फ फिशर ने सिर्फ ये बात कही थी, इसी बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने एक्सपेरिमेंट से इस बात को सिद्ध कर दिया, रुडोल्फ फिशर जो कह रहे हैं वो बात सही है। तो सेल थ्योरी में इसको भी पॉइंट को कंक्लूड किया गया, ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, अब सेल थ्योरी के एक्सेप्शन किसको कहेंगे कि क्या चीज है जो सेल में इंक्लूड नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करें वायरस, और सभी इस टर्म से भली भांति बहुत अच्छे से परिचित हैं, जिसका जीता जागता एग्जांपल कोरोना वायरस। उसके अलावा एचआईवी वायरस है, बहुत सारे वायरस है, सभी जानते हैं। तो वायरस क्या है, हम सभी को पता है वायरस क्या है, बहुत ही खतरनाक चीज है, कोरोना ने बता दिया आज के दौर में, ठीक है। तो ये क्या, सेलुलर इज मेड अप ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अब वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिर्फ किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और सिर्फ प्रोटीन का बना होता है। तो क्या सर और क्या चीज इसमें, इसमें जो मल्टीप्लीकेशन आउटसाइड द सेल, किसी भी सेल के बाहर अगर ये रहे तो ये अपने आप में नॉन लिविंग होता है। लेकिन वंस इट एंटर्स इनटू द सेल, किसी भी लिविंग सेल में अगर ये वायरस एंटर कर जाए, इट बिकम्स लिविंग, ठीक है। इसलिए कह रहे थे घरों में रहेंगे तो कोरोना बाहर है, स्टे होम स्टे सेफ। क्यों? क्योंकि जब तक वायरस को कोई लिविंग सेल नहीं मिलेगा तब तक वो इनएक्टिव है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई लिविंग सेल में एंटर कर जाए तो अपने आप को क्या कर लेता है, एक्टिवेट कर लेता है और पूरे होस्ट पे अपना आपका कंट्रोल बना लेता है। वायरस में एक खासियत होती है, ठीक है। तो वायरस का एक जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको यहां बता देता हूं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। हाँ, कोरोना के दौर में आप सब इस तरह के गोल सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बहुत सारे डरावने स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है। हम एक जनरल वायरस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो वायरस में ये क्या होता है, ये जो बनाया बाहर मैंने, इसको कहा जाता है प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट या फिर कैप्सिड। ये जो है ये कहलाती है अटैचमेंट साइट, अटैचमेंट साइट। और कहां अटैच होती है, कोई भी लिविंग सेल की सरफेस में जाकर के इसको अटैच करने में हेल्प करते हैं। अब बात करें, ये तो सिर्फ प्रोटीन पार्ट की भी, जो हमने वायरस के कंपोनेंट में बात की। सेकंड थिंग बात करें इसमें न्यूक्लिक एसिड, यहां ये जो कंपोनेंट होता है ये अंदर की तरफ ये वाला, ये कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है, ये डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा बात करेंगे कि डीएनए जो होता है या आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। सिंगल और डबल कैसे, डीएनए का स्ट्रक्चर सभी ने देखा होगा, मैं इसको इस तरह से बना रहा हूं जो वॉटसन क्रिक ने बताया था, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था। तो एक स्ट्रैंड ये होता है, दूसरा स्ट्रैंड ये वाला होता है, इसलिए इसको कहा जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर मैं यहां पे कुछ इस तरह से बना दूं, सिर्फ एक स्ट्रैंड, तो क्या कहलाएगा ये, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आया था।
तो डीएनए क्या हो सकता है, तो इसको हम कह सकते हैं यहां पे कि डीएनए जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक डीएस डीएनए, एक एसएस डीएनए। दूसरी तरफ आरएनए के केस में हम सेम बात कर सकते हैं, एसएस आरएनए और डीएस आरएनए। तो अब आपको ये डिफरेंस क्लियर समझ में आ गया, और किसी को नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो वायरस के एक जनरल स्ट्रक्चर की बात की, तो वायरस क्या होता है, कोई भी लिविंग सेल के बाहर इनएक्टिव होता है, लेकिन लिविंग सेल में एंटर करते ही क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसलिए वायरस जो है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। वायरस कैन डिवाइड, मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर वायरस, एक वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो अपनी कॉपी बना सकता है, एक की 50 कर सकता है, 100 कर सकता है, मल्टीपल 1000 कर सकता है, ठीक है। आया तो एक ही था लेकिन उसने अपनी कॉपी बना दी, इसलिए क्या है वो लिविंग सेल बन गया सेल में एंटर होने के बाद। लेकिन अगर वही वायरस बाहर एनवायरमेंट में रहेगा, उसको कोई लिविंग सेल ना मिले तो वो मर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आउटसाइड द लिविंग सेल वायरस इज नॉन लिविंग, ठीक है। और इन एक बार सेल में एंटर कर दिया तो एक सेल की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको एक्सेप्शन कहा गया सेल थ्योरी का। सेकंड बात करें अपन के वायरॉइड्स। वायरस क्या होते हैं, दे आर ओनली आरएनए पार्टिकल, मतलब कि इस स्ट्रक्चर में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या ये चीज हो तो कि उसको क्या कहा जाएगा, वायरॉइड्स, मतलब सिर्फ आरएनए पार्टिकल्स हो तो उनको वायरॉइड्स कहा जाता है। फिर बात करें एक और चीज, वायरियॉन्स या वीरियॉन्स, दे आर इनएक्टिवेटेड कैरियर्स ऑफ वायरल जीनोम। अब ये क्या होते हैं, इनएक्टिवेटेड कैरियर्स है वायरल जीनोम के, यहाँ पे ये क्या होता है, मतलब जेनेटिक कंपोनेंट है इनके पास लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे ही कहीं एंटर कर गए तो एक्टिव फॉर्म में आ गए, इन नॉन एटीन्यूटेड से एटीन्यूटेड या एक्टिव फॉर्म में आ जाना तो वो कहलाता है वीरियॉन्स। फिर एक और चीज प्रियॉन्स, इसमें जिस तरह से वायरस में बात की थी हमने, ओनली आरएनए होता है, तो प्रियॉन्स में क्या होता है, नाम से बता रहा है, पी स्टैंड फॉर प्रोटीन, तो इसमें क्या होगा, इसमें ओनली प्रोटीन्स आर, यहां पर एब्सेंट की जगह प्रेजेंट है, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, अब्सेंट होता है इसमें, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आर अब्सेंट बट ओनली प्रोटीन आर प्रेजेंट, तो उसको प्रियॉन्स कहेंगे। जबकि वायरॉइड्स में हमने बात की थी वहां सिर्फ आरएनए पार्टिकल था या जेनेटिक मटेरियल था। सर डीएनए का, डीएनए के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ हमने वीरेंद्र जी सिर्फ यहां बात की हमने कि डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड भी होता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है। तो वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड जो टर्न होती है, न्यूक्लिक एसिड वायरस में क्या कहीं पे भी अगर यूनिवर्सली बात करें हम, ठीक है, तो यहां पे जो ये न्यूक्लिक एसिड टर्म इज अ कॉमन, हम हमारे भी बात करेंगे हमारे ह्यूमन सेल में तो न्यूक्लिक एसिड टर्म कॉमन आएगी किसके लिए, दो एसिड विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में दो एसिड प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो वायरस का जो जीनोम होता है, हमने बात की थी कि वो न्यूक्लिक एसिड का भी बना होता है और प्रोटीन का बना होता है, वायरस का जो स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन, तो ये बाहर वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो उसको प्रोटीन कोड या कैप्सिड या कैप्सोमेर कहा जाता है, उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अब वो डीएनए होगा या आरएनए होगा, होगा एक ही चीज, ठीक है। और डीएनए अगर होगा तो कैसा हो सकता है, वो सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, सिंगल मतलब कि डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड, या फिर डबल स्ट्रैंड मतलब कि डीएनए के दो स्ट्रैंड, एक तो ये वाला स्ट्रैंड दूसरा ये वाला स्ट्रैंड, तो दो स्ट्रैंड हो गए डीएनए के। सेम इसी तरह आरएनए का भी होता है, आरएनए भी क्या होता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, दो स्ट्रैंड, समझ रहे इस बात को, ये दो स्ट्रैंड है और ये ऐसा सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है। तो ये मतलब जिसका जेनेटिक मटेरियल चार तरह का हो सकता है, लेकिन होगा एक ही इन चारों में से, या तो एसएस डीएनए होगा या फिर डीएस डीएनए होगा या फिर एसएस आरएनए होगा या फिर डीएस आरएनए होगा, समझ रहे इस बात को, एक ही चीज होगी इन चारों में। निकी दास पुरोहित, जिनोम हम बात करेंगे, ठीक है, जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे मैं आपको क्रोमोसोम बताऊंगा, उस समय आपको मैं
जीनोम के बारे में बताऊंगा, इन जनरल बता देता हूं। जीनोम जो होता है अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, जहां एक न्यूक्लियस में जो हैप्लॉइड सेट होता है उसको क्रोमोसोम या जीनोम कहेंगे। जैसे हम बात करेंगे एक सेल की, यहां अगर मैं बात करूं ये कोई डिप्लॉइड सेल है, जर्म सेल, ये मियोसिस करने के बाद एन में कन्वर्ट होती है इस तरह से और इस तरह से, तो ये क्या बन गई, हैप्लॉइड सेट। मतलब कि जैसे हम ह्यूमन बींग के लिए रेफरेंस में बात करें, आपके और मेरे अंदर रेफरेंस में बात करें, तो हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम। तो 46 कब थे, जब ये 2n थी, यहां हमने nn की बात की तो अब कितने हो गए, 23 क्रोमोसोम हाफ हो गए ना, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 46 आया था। तो ये क्या हो गया, 23 और 23 सेपरेट हो गए, तो इस 23 के एक पेयर को क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो उसको क्या कहेंगे हम, जीनोम कहेंगे। इज इट क्लियर निकी राजपुरोहित जी। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसके बाद प्रियोम के बाद आरबीसी के लिए, तो आरबीसी भी सेल थ्योरी का क्या है, एक्सेप्शन है। अब वो बात करोगे सर ये सेल थ्योरी, ये तो आरबीसी तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, ये एक्सेप्शन कैसे है, तो ये एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि जब आरबीसी इमैच्योर होती है, बनती है, उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे उसका मैच्योरेशन होता है तो वहां से न्यूक्लियस गायब हो जाता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए न्यूक्लियस के बिना क्या है, सेल, सेल में से अगर हम यहां से इस न्यूक्लियस को हटा दें तो क्या बचा, सिर्फ सेल, और सेल के बाहर ये न्यूक्लियस आ गया जिसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि सेल की हमने बात की, सेल थ्योरी में सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल फंक्शनल यूनिट है, सेल हेरिडेटरी यूनिट है, जो स्लाइडिंग्स वाले बताई थी। तो हेरिडेटरी कंपोनेंट तो कहां है, न्यूक्लियस में, अब न्यूक्लियस ही नहीं है तो हेरिडेटरी कहां से हुई, इसलिए क्या हो गई, वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन हुई न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम कैमल और लामा जैसे एनिमल की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट एंड दे आर नॉट एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें हम शेप और साइज ऑफ सेल की। अब सेल का शेप और साइज जो है वो वेरी करता है, वो किस अकॉर्डिंग वेरी करता है, उस सेल को परफॉर्म फंक्शन क्या परफॉर्म करना है। जैसे दिमाग में बात करेंगे, न्यूरॉन सेल्स होती है ब्रेन में, तो उनका फंक्शन डिफरेंट होता है, उनका काम सोचना है, डेंड्राइटिक होती है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल का शेप होता है। एक क्वेश्चन जो पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था आरबीसी के रेफरेंस में, आरबीसी आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, तो आप जल्दी से मुझे बताइए कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, आरबीसी कितने टाइम तक जिंदा रहती है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए, कितने लोग बता पाते हैं, देखते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी या हमारे जो ब्लड के रेड ब्लड सेल्स है उनका जीवन काल, जैसे एक एवरेज ह्यूमन बींग की एज 100 ईयर्स मानी जाती है, हालांकि अब तो नहीं मानी जाती है, लेकिन ये कहा जाता है 100 साल तक जिंदा रहता है। तो वैसे आरबीसी का लाइफ स्पैन बताइए मुझे जल्दी से। तो हम बात करें सेल शेप एंड साइज की, तो उसका फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल क्या है, वेरी कर रहा है कि सेल का शेप कैसा होगा। अ फीचर ऑफ सेल इज द ऑलमोस्ट दैट इज शेप एंड साइज आर नॉट यूनिफॉर्म। सारे सेल का शेप और साइज यूनिफॉर्म नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, एकदम भवानी सिंह ने सही बताया है कि 120 दिन होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीरेंद्र कश्यप ने बताया 3 to 4 मंथ्स, हाँ ये भी लगभग है, लेकिन एग्जैक्ट जो पीरियड होता है 120 डेज है, एग्जैक्टली एकदम करेक्ट आंसर है। एक आरबीसी है नॉर्मल, आपको इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं, नॉर्मल जो हर एक सेल है हमारे बॉडी के, तो हर एक सेल का जो लाइफ स्पैन जो होता है, लाइफ स्पैन ऑफ सेल वो होता है 3 to 4 डेज, बट आरबीसी आर द एक्सेप्शन, जिनका लाइफ स्पैन जो होता है वो होता है 120 डेज, ठीक है। तो हमें 3 to 4 मंथ की जगह अगर हम 120 दिन एग्जैक्ट बताएं या फिर 4 मंथ एग्जैक्टली बताएं तो ज्यादा बेटर होगा, इसलिए हम 3 से 4 महीनों के बजाय, ठीक है।
तो हमें जब ऑप्शन में ये चीज मिले तो हमें से अगर आपको ऑप्शन में 3 से 4 महीने भी मिले और 120 डेज भी हो तो हम किसको चूज करेंगे 120 डेज को। तो 120 डेज इज अ बेटर करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट बात करें तो जैसे मैंने बताया सेल का शेप और साइज जो होता है यूनिफॉर्म नहीं होता। जैसे हमारे बॉडी में भी बहुत सारी सेल्स है, ब्रेन की सेल है, हार्ट की सेल है, ब्लड की सेल्स है, तो उन सबका साइज क्या है सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, फंक्शन भी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों है? क्योंकि उनका शेप अलग है और उनको काम डिफरेंट करना है, इसलिए वो शेप और साइज दोनों ही क्या है वेरी करता है। तो उसी के रेफरेंस में बात करें अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ इररेगुलर शेप। अमीबा का स्ट्रक्चर सभी ने देखा होगा। निकी राजपुरोहित क्या कहना चाह रही है? ओके क्लियर, ठीक है जी। तो अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ इररेगुलर शेप। सबको पता है कि अमीबा का शेप जो होता है वो रेगुलर नहीं होता, वो चेंज करता रहता है। और अमीबा का मैंने अभी बताया आपको अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसमें बात करेंगे इसका शेप चेंज होता है कैसे, कभी इसको चलना है, चलने के लिए क्या यूज करता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फिट। और बात करेंगे पैरामीशियम की, उसका ओवल शेप होता है, ठीक है, सभी ने देखा होगा स्ट्रक्चर, नहीं देखा अभी दिखा देंगे नेक्स्ट लाइन में आपको। सेल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आल्सो बी फ्लैट और ओवल शेप और इरेगुलर। हमारे जैसे मैंने आपको बात की सॉरी हमारे बॉडी में भी सेल जो है, ब्रेन की सेल का शेप अलग होगा, वो इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, ठीक है। जो फीमेल में जो ओवम सेल होती है, एग सेल जो होती है वो ओवल शेप में होगी। आरबीसी जो होती है बाइकॉनकेव शेप में होती है। उसके अलावा डब्ल्यूबीसी, प्लैटिलेट्स, इनका शेप भी अलग अलग होता है, ठीक है। मेल का स्पर्म सेल होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल आपको देखने को मिलेगी, बट दिस शेप एंड साइज डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन, ठीक है। अब कुछ सेल क्या होती है, छोटी होती है, कुछ बहुत बड़ी होती है। सम सेल्स आर स्मॉल एंड सम आर लार्जर, दस देयर इज अ कंसीडरेबल वेरिएशन इन द शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो इसी चीज के लिए कि उनको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, इससे ये सारी चीजें वेरी करती है। नेक्स्ट बात करें हम माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, कितने लोग बताइए, ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, जल्दी बताइए फास्टेस्ट। What is mycoplasma? Is it prokaryotes or eukaryotes? अभी तक चलो जब तक आंसर आता है इसका देखते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा इज अ स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। अब सर कहोगे वायरस भी तो इससे भी छोटा होता है, लेकिन वायरस को हमने सेल काउंट नहीं किया, दे आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। तो हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा, उसका साइज की बात करें 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है 10^-6, ये होता है माइक्रोमीटर, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा की लेंथ कितनी होती है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। उसके बाद बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया क्या है 3-5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। बैक्टीरिया की जो साइज होती है 3-5 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर तो आपको पता है 10^-6। उसके बाद बात करें ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी जो बाइकॉनकेव शेप में होती है उसकी साइज जो होती है, नो रंजित सिंह ने बताया है कि यूकैरियोटिक सेल है माइकोप्लाज्मा, नहीं माइकोप्लाज्मा जो है मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पे, ये है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का टाइप है माइकोप्लाज्मा, था प्रोकैरियोट्स। एक आपने टर्म सुना हो, सुना मैं बता देता हूं, पीपीएलओ टर्म होता है, पीपीएलओ जिसको कहा जाता है प्लूरो न्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म।
रीजन रीजन तो प्रोकैरियोट्स के फीचर्स से मैं आपको सेल बताऊंगा रंजीत, जब मैं सेल के टाइप बताऊंगा आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, तो इस वजह से इसको प्रोकैरियोटिक सेल में रखा गया माइकोप्लाज्मा को, ठीक है। अब उसके अलावा बात करें ह्यूमन आरबीसी हो गया, अब हमारे बात करें न्यूरल सेल, न्यूरल सेल मतलब कि न्यूरॉन की बात करें, दो सेल विच आर प्रेजेंट इन ब्रेन और कंट्रोलिंग नर्वस सिस्टम, तो उनको न्यूरल सेल्स कहा जाता है, जैसे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी की, ओके साइज कितनी होती है 90 सेंटीमीटर, याद रखना सबसे बड़ी सेल है, ठीक है। इसकी लेंथ भी लंबी होती है, 90 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। और फिर बायोमेरिया नीविया प्लांट है जो लॉन्गेस्ट प्लांट है, फिर एसिटोबुलेरिया लॉन्गेस्ट यूनिसेलुलर है, और फिर एक और यूनिसेलुलर एग की बात की जाए, एक एग चाहे हैन का एग की बात करें या ऑस्ट्रिच के एग की बात करें, वो एग अपने आप में क्या है, एक सेल है, ये जो एग है इज अ टाइप ऑफ सिंगल सेल, फिर धीरे धीरे इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये मल्टी सेलुलर बनता है, जिस तरह से ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल है, सबसे बड़ी सिंगल सेल कौन सी है, ऑस्ट्रिच का एग। और ह्यूमन बींग में आपसे पूछी जाए विच इज द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, देन व्हाट विल बी योर आंसर, न्यूरॉन सेल और न्यूरल सेल, इज इट क्लियर। इन कॉमन में पूछा जाए सबसे बड़ा यूनिसेलुलर या सिंगल सेल कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। और ह्यूमन बींग में पूछा जाए तो इसको न्यूरल सेल या नर्व सेल। नेक्स्ट बात करें सेल के टाइप्स की, जैसा पिछला क्वेश्चन था रंजित ने लिखा भी है कि सेल प्रोकैरियोटिक कैसे हैं, तो अब जनरल बात करें अपन कि सेल जो है दो तरह का होता है, ये दो बड़े बड़े टाइप्स हैं आपके सामने, अब जो दो सेल है वो कौन सी है, एक प्रोकैरियोटिक दूसरी यूकैरियोटिक। अब ये देखो मैंने आपको लिखा है यहां पे, अब प्रो का मतलब होता है, रंजित कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता आपको आंसर मिल रहा है। आप देखो प्रोकैरियोटिक जो टर्म है वो दो टर्म से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोन, मैं इधर लिख दे रहा हूं प्रो प्लस कैरियोन, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। दो सेल्स विच हैव प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक्चुअली वास्तव में अगर देखा जाए तो इनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट, न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। न्यूक्लियोइड और जीनोफोर जो होता है न्यूक्लियस की जगह एक मटेरियल होता है, ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसके अंदर देखो ये जो कंपोनेंट है ये वाला पार्ट, ये वाला कहलाता है न्यूक्लियोइड और जीनोफोर, इसी को जीनोफोर भी कहा जाता है। फिर ये सेकंड फर्स्ट पॉइंट को कंपेयर करें तो इधर भी देखें, देखो हाँ निकी इसमें जो स्यूडोपोडिया है, देखो आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना कि स्यूडोपोडिया हेल्प्स इन कैप्चरिंग फूड और मूवमेंट, स्यूडोपोडिया का वास्तव में जो एक्चुअल मीनिंग होता है स्यूडो, एंड पोडिया, स्यूडो का मतलब क्या होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फिट, और फिट हमें क्या करता है मेनली किस चीज के लिए हेल्प करता है मूवमेंट, तो
बेटर करेक्ट आंसर तो मोमेंट होगा, हाँ, लेकिन जब वो इस तरह से वो अमीबा जब शेप चेंज करता है कुछ इस तरह से, तो ये फॉल्स फिट जो बन रहे हैं यहाँ पे उसके दौरान क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ ट्रैप हो जाता है तो वो अपने अंदर एंगल्फ कर लेता है, शेप में चेंज कर लेता है। तो वो धीरे धीरे अब इरेगुलर शेप में आ रहा है, अपना शेप चेंज कर रहा है। तो बेसिकली मेजर जो स्यूडोपोडिया फंक्शन है वो मोमेंट में ही है, ठीक है। उस दौरान अगर कोई ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो रहा है तो उसको कैप्चर करेगा, वो छोड़ेगा नहीं, उसको खाना मिल ही रहा है क्योंकि वो शेप जो चेंज करते दौरान वो इरेगुलर शेप में जा रहा है, स्यूडोपोडिया बनेंगे और अंदर वापस से शेप चेंज हो जाएगा, तो उसी दौरान वो उस चीज को अंदर भी लेगा, अपने अंदर एनगल्फ भी कर लेगा, तो ये थोड़ा सा फर्क रहेगा उस दौरान हो जाएगा। तो लेकिन पोडिया का मेन फंक्शन तो क्या होता है, फिट, और फिट का काम आता है चलने के लिए, हमारे फुट है, पैर है, किसमें काम करता है, चलने के लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो कह रहे हो क्या पूछने जा रहे निकी, प्रोकैरियोट के बारे में कुछ पूछना चाह रही है, निकी पूछिए। नेक्स्ट बात करें उसके अलावा के अब यूकैरियोट के मतलब बताने जा रहा था मैं आपको, फिर प्रीवियस स्लाइड मैं हैंड दिस वन, जिस तरह से हमने प्रोकैरियोट की बात की तो उसी तरह से हम यूकैरियोट्स की भी बात करने वाले हैं। तो यू कैरियर जो टर्म है वो भी अपने आप में दो टर्म से मिलके बना है, यू प्लस कैरियन, यू का मतलब होता है एडवांस और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। दो सेल्स विच हैव एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस आर कॉल्ड यू कैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में, ये वास्तव में तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। लेकिन यहां देखो आप, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये होता है न्यूक्लियस, ये ना, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ये कौन ऑर्गेनिज्म होता है, ये वाला तो न्यूक्लियोलस है, बात करें हम और क्या डिफरेंस हो सकता है। ये जो सेल है यहां पे एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो कि कुछ बैक्टीरिया में होता है, कुछ प्रोकैरियोट्स में होता है, और वहां पे एक फ्लैजिला होता है, मतलब फ्लैजिला जो है मल्टीसेलुलर टर्म है, यहां पे अगर बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको फ्लैजिला कहेंगे, अगर सिंगल है तो फ्लैजिलम कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा कैप्सूल सबसे बाहर होता है और कैप्सूल के अंदर क्या होती है, सेल वॉल, और जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन नाग नाम की, वो क्या होती है मैं आपको बताऊंगा जब सेल वॉल पढ़ाऊंगा सेल ऑर्गेनेल्स में। उसके बाद सेल वॉल के अंदर एक कंपोनेंट होता है, ये सबसे बाहर कैप्सूल, फिर ये सेल वॉल, फिर उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे उसका जो जेनेटिक मटीरियल है न्यूक्लियोइड, क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, बैक्टीरिया का डीएनए, जिस तरह से वायरस का डीएनए होता है हमारे अंदर डीएनए, वैसे बैक्टीरिया का डीएनए क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, और उसके अंदर ये छोटे छोटे जो पार्टिकल दिख रहे हैं आपको डॉट्स, ये कहलाते हैं राइबोसोम्स। और प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो होते हैं ये कौन से होते हैं, 70S, जबकि हम यूकैरियोट्स में बात करेंगे ये राइबोसोम देखो यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, तो यूकैरियोट्स में ये राइबोसोम जो होंगे वो कौन से होंगे, 80S। उसके अलावा यहाँ पे ईआर में कुछ बात करेंगे, ईआर में भी राइबोसोम्स होते हैं, तो वो कैसे होंगे, वो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रियन लिखा है मैंने यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियन क्यों, बिकॉज इट्स अ सिंगल वन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियन, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स होंगे, और वो राइबोसोम कैसे होंगे, 70S। तो यूकैरियोटिक सेल में हम कह सकते हैं 70S राइबोसोम भी होते हैं और 80S राइबोसोम भी होते हैं, तो दो तरह के राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल टाइप के राइबोसोम होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंस हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम बता सकते हैं,
जिसके बारे में हम चर्चा, क्योंकि हमारे क्लास है, समय हो रहा है क्लास का और नेक्स्ट क्लास का समय भी शुरू होने वाला है, तो इसलिए चाहेंगे आज की क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे। ठीक है, we will continue this session, this difference in the next class. और फिर भी किसी के मन में कुछ प्रकार का डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, पूछिए मुझसे। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है आप लोगों के पास। ठीक है, और डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकती है, सर से बात करना है आपसे डेफिनेटली हो जाएगी। और अच्छा, मैं डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, नहीं किया तो अभी से तुरंत कर लीजिए। निकी से कहना चाहूँगा, निकी आपने क्या लिखा प्रोग्रेड के बारे में, मैं बता चुका हूँ, और भी क्या कहना, स्पष्ट कहना चाह रही है, नेक्स्ट क्लास कब है, जब भी होगा रंजीत आपको सूचना मिल जाएगी, होपफुली कल या परसों में होगी शायद नेक्स्ट क्लास, कल संडे पता नहीं, लेकिन जैसे शेड्यूल होगा आपको ऑनलाइन लिंक से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और बेटर आप इंस्टीट्यूट के कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारे शेड्यूल दे दिया जाएगा, आपको कॉन्टैक्ट मेल नंबर होगा ही, और नहीं तो हमारे चैनल से आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे इंस्टीट्यूट का। ठीक है, लेकिन इसके डिफरेंस के बारे में हम कंटिन्यू चर्चा करेंगे, जो हमारे बहुत सारे डिफरेंस रहेंगे, लेकिन समय अभाव के कारण, लेस टाइम के कारण, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा, इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे अब आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद।